मैंने उमर साहब को बताया था कि मैंने कोई स्पीच नहीं करनी, लेकिन जब यहाँ मैं बातें सुन रहा था ये जिनसे भी मेरी डिस्कशन हुई है, हारिस भाई ने कुछ बातें बताई, फिर अली खान साहब जो बीकन हाउस स्कूल को यहाँ प्रेजेंट कर रहे, तो मैं ये बातें सुनकर दो बातें सिर्फ आप लोगों से कहना चाहूंगा। एक तो बात की आपने कि 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे या 2 करोड़ से ज्यादा जो है वो नहीं पढ़ रहे, तो पढ़ाने के लिए मस्जिदों में भी जगह देखनी पड़ेगी, सिस्टम बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे जब अभी बताया गया कि बीकन हाउस के पास मोर देन 900 ब्रांचेस, तो मैंने कहा मैं अली खान साहब से एक मीटिंग करूंगा, क्योंकि एक फलसफा है कि तालीम सबके लिए, एजुकेशन फॉर एवरीवन। हमारे यहाँ तालीम के दो मेयार, एक तो बच्चा जो ग्रामर स्कूल में पढ़ रहा है, जिसे एक लैंड क्रूजर में 2 नैनीज के साथ गार्ड छोड़ने आते हैं, लेकिन उसी के सामने एक शीन जिना कॉलोनी है जहाँ एक सरकारी पीला स्कूल है, जहाँ लाइट कटी हुई है, बच्चे जमीन पर बैठते हैं, और 3 करोड़ तो वो है जो नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो 4-5 करोड़ पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वो किस एहसास से महरूमी से पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे बच्चे, उन्हें तो बस बुला के जो टीचर है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है उनके ऊपर, और माँ बाप इसलिए भी देते हैं कि चलो उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी वो चले जाए। लेकिन अली खान साहब जैसे लोग अगर ये सोचें कि सुबह दोपहर शाम के बाद पूरा टाइम इनका स्कूल खाली है 900 ब्रांचेस, अगर कोई ऐसी टाइमिंग आप हमें दे दें तो हम उन आम बच्चों को भी वो तालीम दें जो आप जिसका जिक्र करें, और मैं समझता हूँ कि वो काम है जो हम अपने लिए नहीं करेंगे, उस मखलूक के खुदा के लिए करेंगे जिसकी हमें जरूरत है, और हो सकता है कि ये 900 ब्रांचेस जो है ताला आपको 9000 में करना, ताकि यूट्यूब हम फ्री में इस्तेमाल करते हैं, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमें फ्री में इस्तेमाल करते हैं, जितने यूजर्स बढ़ेंगे उनकी इनकम उतनी ज्यादा होगी, हम तो उनके लिए बगैर फीस के काम कर रहे हैं, तो फ्री कुछ नहीं है। दूसरी बात, जिस डिजिटलाइजेशन की बात की गई है, हम AI की तरफ जा रहे हैं, वैसे हम मर्द हजरात को बड़ा फायदा है, क्योंकि आगे जाके बीवियां पकड़ नहीं सकती, जो चीज को दिखाएंगे हम कह देंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ने कर दिया, तो भी नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन बड़ा काम कर रहा है, बिलियंस का उसका बजट है, लेकिन वैसे गवर्नर से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि वो सिर्फ पॉलिश लोगों को पॉलिश करता है, जो खुद ही यूनिवर्सिटीज में पहुंच चुके हैं ऐसे भी पहुंचे, हमें ये जरूरत है प्राइमरी एजुकेशन कमीशन बना जो कि हमारे पास है, और उसमें अली भाई आप आगे आए मेरे साथ अगर आप मुलाकात की करें। देखिए अब दौर चेंज हो गया है, आज दुनिया की 27 बड़ी कंपनीज जो है वो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगती, स्किल्स मांगती है, करना क्या है, जैसे आपने खुद कहा कि अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, तो प्राइमरी एजुकेशन कमीशन ना होने की वजह से जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं वो आगे जाके हम साल में 24-25 लाख बच्चों को बेरोजगार पैदा करते हैं, 16 साल अपनी जिंदगी लगाने के बाद उसके जो माँ बाप उसके लिए खर्चा करते हैं, फिर 10 साल उसको एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए धक्के खाने पड़ते, तो अगर ये प्राइमरी एजुकेशन कमीशन बन जाए जिसमें हमें आज से पता हो कि हमने 5 साल के बच्चे को अगले 8 साल तक की एज तक क्या पढ़ाना है, उसकी तरबियत कैसे करनी है, जिस तरह की आपने बात की कि अगर आज वो इंटरनेट यूजर बन रहा है तो उसको पता हो कि उसका यूज उसको कैसे करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही करना है गलत करना है, और आगे दुनिया किस तरफ जा रही है,
तो उसको हमने इस प्राइमरी एजुकेशन वाले कमीशन में डिसाइड करवाना ताकि उसको फॉलो कर सके, निजाम सिस्टम उसको आगे चला सके, वरना तो फिर वो शायर का जो एक शेर है कि उम्र से फरेबे सफर खा रहा हूं मैं, 77 साल हो गए पाकिस्तान को, तो शायर कहता है कि एक उम्र से फरेबे सफर खा रहा हूं मैं, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहा हूं।